डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ बिशप अकेडमी महाराजगंज. स्टूडेंट्स, टुडे योर न्यू चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री. प्रीवियस क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रो वगैरह पढ़े हैं हम, तो ट्रिग्नोमेट्री योर चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. तो पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री क्या है इसको जाना जाए. ट्रिग्नन प्लस मेट्री. ट्रिग्नन प्लस मेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है. ट्रिग्नन मीन्स दैट इज ट्रायंगल. थ्री एंगल से बना हुआ कोई फिगर, दैट इज ट्रायंगल. जबकि मेट्री मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट. मेजरमेंट यानी कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या देखते हैं, रेशियो बिटवीन एंगल एंड साइड. एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रेशियो है, इसका इसमें स्टडी करते हैं हम. तो इसमें सबसे पहले एंगल क्या है, एंगल कोई रे है, ओ ए रे ओ ए पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा या रोटेट करके ए से बी पर आ गया, सपोज दैट पॉइंट बी. तो इस कंडीशन में ए से बी पर जब शिफ्ट हुआ, रोटेट हुआ, तो इस कंडीशन में क्या एंगल बन रहा है, ये आपका थीटा एंगल हो जाएगा. अब इसमें रोटेशन टू टाइप्स हो सकते हैं. फर्स्ट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन हो रहा. सेकंड क्या, क्लॉकवाइज में. अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन हो रहा है, ये आपका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज. तो इस कंडीशन में थीटा जो होगा पॉजिटिव होगा. और अगर यही रोटेशन क्लॉकवाइज में हो, ओ ए रोटेट होकर पॉइंट ए बी पर आ गया, सपोज दैट पॉइंट सी है, तो इस कंडीशन में या रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा क्लॉकवाइज, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो अगर कोई रे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा, तो उस कंडीशन में एंगल जो होगा वह पॉजिटिव एंगल होगा, थीटा पॉजिटिव होगा. अगर वही क्लॉक वाइज में रोटेट हो रहा, तो थीटा नेगेटिव हो जाएगा. नेक्स्ट, एंगल को आप थ्री टाइप से मेजर कर सकते हैं. प्रीवियस क्लास में आपने क्या देखा, एंगल को डिग्री एंड रेडियन दो ही टाइप से मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको थ्री टाइप से मेजर कर सकते हैं हम. मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल थ्री सिस्टम है. एंगल को मेजरमेंट करने के थ्री सिस्टम है. फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम. सेकेंड, सेंट्रिफ्यूगल सिस्टम. सेंट्रिसिमल सिस्टम एंड थर्ड इज सर्कुलर सिस्टम. सर्कुलर सिस्टम मेजरमेंट्स ऑफ एंगल इन थ्री सिस्टम. फर्स्ट सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेकंड सेंट्रिफ्यूगल सिस्टम एंड थर्ड सर्कुलर सिस्टम. तो फर्स्ट इसमें क्या होता है, सपोज दैट एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरा वर्टिकल लाइन, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, दैट इज वन राइट एंगल. इनके बीच का एंगल क्या होगा, वन राइट एंगल. अब इस वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 90 इक्वल पार्ट्स.
और इच पार्ट इज वन डिग्री तो इस कंडीशन में वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान देंगे इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन OX जबकि वर्टिकल लाइन Y है, इस लाइन के बीच वन राइट एंगल का एंगल बनेगा। अब इस वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रत्येक पार्ट का वैल्यू क्या है 1 डिग्री, तो इस कंडीशन में वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। और वन डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक पार्ट का वैल्यू होता है 1 मिनट, तो कह सकते हैं 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। मिनट को आप ऐसे नोटेशन देंगे, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक पार्ट का वैल्यू क्या होगा 1 मिनट, तो दैट इज 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। एंड 1 मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक पार्ट का वैल्यू होता है 1 सेकेंड, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, सेकेंड का सिंबल यह है, इसको आप सेकेंड पढ़ेंगे, या सिंबल क्या है मिनट्स का। तो सेक्सागेसिमल सिस्टम में क्या हो रहा है, वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रत्येक पार्ट का वैल्यू 1 डिग्री है, तो इस कंडीशन में वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। एंड वन डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसमें प्रत्येक पार्ट का वैल्यू होता है 1 मिनट, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। जबकि 1 मिनट को भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक पार्ट का वैल्यू होता है 1 सेकेंड, तो इस तरह से 1 मिनट में 60 सेकेंड होंगे। सेकेंड, सेंट्रिसिमल सिस्टम, सेंट्रिसिमल सिस्टम इसमें क्या करते हैं, इसमें भी वन राइट एंगल को, अब इसमें नाम से ही आपका क्लियर है सेंट्रिसिमल सिस्टम दैट इज सेंचुरीज मतलब यहाँ, तो वन राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 100 इक्वल पार्ट्स, और वन पार्ट का वैल्यू होता है 1 ग्रेड, तो इस कंडीशन में वन राइट एंगल इक्वल टू, वन राइट एंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया 100 पार्ट्स, और वन पार्ट का वैल्यू क्या है 1 ग्रेड, तो 100 पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 ग्रेड, यानी वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। एंड वन ग्रेड इस पार्ट को भी 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक पार्ट का वैल्यू होता है 1 मिनट, यानी 1 ग्रेड में आपका हो जाएगा 100 मिनट। और 1 मिनट को भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसमें प्रत्येक पार्ट का वैल्यू होता है 1 सेकेंड, तो 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। ध्यान देंगे सेंट्रिसिमल सिस्टम में क्या होता है, सेंचुरी से कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, इसमें भी वन राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक पार्ट का वैल्यू होता है 1 ग्रेड, तो 1 राइट एंगल में 100 ग्रेड होंगे। और 1 ग्रेड को भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसमें प्रत्येक पार्ट का वैल्यू 1 मिनट होता है, तो 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। 1 मिनट को भी 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसमें प्रत्येक पार्ट का वैल्यू 1 सेकेंड होगा, तो 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड, एंड टोटल सेंचुरी यहाँ पर कंप्लीट करेगा। एंड थर्ड, सर्कुलर सिस्टम इसको इरेज कर दे रहा हूं, सर्कुलर सिस्टम इस सिस्टम में एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, रेडियन
सपोज दैट एंगल थीटा है तो उसको आप थीटा रेडियन पावर सी लगाएंगे, वो रेडियन का सिंबल है, फाइव है तो ये फाइव रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कोई सर्कल है ओ ए बी, ये आपका आर्क है ए बी, इसको सपोज कर ले रहे हैं एल, रेडियस इसका आर है, ये एंगल थीटा है, तो इसमें एंगल इक्वल टू, एंगल इक्वल टू आर कपान रेडियस, आर कपान रेडियस, तो एंगल थीटा इक्वल टू आर का वैल्यू क्या है ए बी, आर्क ए बी अपान रेडियस ओ ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एल अपान आर, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे एंगल थीटा इक्वल टू एल अपान आर। और इसमें ध्यान देंगे एल क्या है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा, आर भी क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपान डिस्टेंस इसका कोई यूनिट नहीं रह जाएगा या रेडियन में हो जाएगा, एल अपान आर रेडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देंगे एल अपान आर रेडियन। अब इसमें इफ इफ एल इक्वल टू आर, यानी जो आर का लेंथ है या इसके रेडियस के इक्वल हो जाए, लेंथ ऑफ आर के बी इक्वल टू रेडियस दैट इज आर, तो देन थीटा इक्वल टू एल अपान आर दैट इज आर अपान आर, और आर अपान आर का वैल्यू क्या हो जाएगा वन, यानी थीटा इक्वल टू वन रेडियन। यानी किसी भी सर्कल में अगर आर का लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में उस आर्क द्वारा सेंटर पर जो एंगल मेजरमेंट होगा वह वन रेडियन के इक्वल होगा, वन रेडियन थीटा इक्वल टू वन रेडियन। और एक चीज और इसमें ध्यान देंगे थीटा इक्वल टू एल अपान आर, एल अपान आर जो फार्मूला है, आर तो कांस्टेंट है, रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा किसी सर्कल के लिए। अब इसमें एल का वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे थीटा का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा, तो एल इक्वल टू आर इक्वल टू कांस्टेंट, तो देयरफॉर थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एल, थीटा जो है आर के प्रोपोर्शनल होता है, आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे एंगल भी बढ़ेगा, एल का वैल्यू जैसे जैसे घटाएंगे एंगल भी उसका घटेगा, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ दैट इज एल। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं डिग्री को रेडियन चेंज करें, डिग्री रेडियन को डिग्री में चेंज करें, तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। सपोज दैट कोई सर्कल है वो सेंटर इसका ए बी, दो पॉइंट हैं सर्कल पर, इसका रेडियस सपोज कर लिया जाए आर, ये एंगल थीटा है, आर्क लेंथ एल है, तो इस कंडीशन में पॉइंट सी, अभी देखा गया है थीटा इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आर्क लेंथ एल, यानी जैसे जैसे आर्क लेंथ है बढ़ाएंगे एंगल भी बढ़ता जाएगा, आर्क लेंथ घटाएंगे एंगल भी घटेगा, तो यहां से आप लिख सकते हैं इन द गिवन फिगर एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी अपान एंगल ए ओ बी अपान एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल ओ ए ओ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है
ए ओ बी या किसके द्वारा बन रहा, आर्क ए बी इक्वल टू आर्क ए बी अपान, आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी यह एंगल आपको किसके द्वारा बन रहा, आर्क ए सी आर्क ए बी सी। सपोज दैट एल इक्वल टू आर, अगर इसमें आर्क लेंथ ए बी का वैल्यू आर के इक्वल रखा जाए तो इस कंडीशन में अगर आर्क लेंथ का वैल्यू रेडियस के इक्वल है तो इस कंडीशन में थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल अपन आर दैट इज आर अपन आर इक्वल टू वन रेडियन। तो इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू वन रेडियन होगा तो एंगल ए ओ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी का वैल्यू वन रेडियन अपान एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी यह आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यह एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री दैट इज 180 डिग्री इक्वल टू आर्क ए बी, आर्क ए बी का लेंथ क्या है आर, जबकि आर्क ए बी सी का लेंथ क्या हो जाएगा, ए बी सी का लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल पेरीमीटर आप क्या जान रहे हैं, पेरीमीटर पेरीमीटर इक्वल टू 2 पाई आर, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू पाई आर, ए बी सी का लेंथ क्या होगा पाई आर बिकॉज ए ओ बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो सी रेडियन इक्वल टू 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, यही रिलेशन होता है रेडियन एंड डिग्री में, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपन पाई डिग्री, एंड इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री में क्या हो जाएगा पाई अपन 180, पाई अपन 180 रेडियन, एंड 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपन पाई डिग्री, 1 रेडियन में 180 अपन पाई डिग्री होगा। कुछ और इसमें रिलेशन है इसको आप याद रखेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एन एंगल, रिलेशन बिटवीन थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल दैट इज सेंट्रिसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम एंड सेक्सागेसिमल सिस्टम में क्या रिलेशन है, तो इस वाले कंडीशन में सपोज दैट लेट डी बी द नंबर ऑफ डिग्री, लेट डी इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, डी जो है डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियन, नंबर ऑफ रेडियन एंड सी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रेडियन, इसको जी से सपोज कर लिया जाए, जी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रेडियन सॉरी ग्रेड्स है ना, ग्रेडियन नहीं ग्रेड्स, नंबर ऑफ ग्रेड्स, सिंस 90 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल, 90 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल, देयरफॉर
1 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन 90 राइट एंगल, डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डिग्री, तो देयर फोर डी डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डिग्री इक्वल टू डी अपॉन 90 राइट एंगल, डी अपॉन 90 राइट एंगल। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, थीटा इक्वल टू डी अपॉन 90 राइट एंगल। सेकंड, पाई रेडियन इक्वल टू, सिंस पाई रेडियन इक्वल टू, पाई रेडियन इक्वल टू टू 180 डिग्री होता, दैट इज टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल्स, तो देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल टू 2 अपॉन पाई राइट एंगल्स, देयरफॉर रेडियन क्या सपोज किया गया, नंबर ऑफ रेडियंस इक्वल टू आर, तो आर रेडियन में कितने राइट एंगल होंगे, आर रेडियन इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटू आर राइट एंगल्स, दैट इज 2 आर अपॉन पाई राइट एंगल्स, राइट एंगल्स। एंड इसको थीटा सपोज कर लीजिए, थीटा इक्वल टू 2 आर अपन पाई राइट एंगल्स। एंड थर्ड ग्रेड, तो ग्रेड वाले कंडीशन में क्या देखा गया, सिंस हंड्रेड ग्रेड इक्वल टू 1 राइट एंगल 90 डिग्री, हंड्रेड ग्रेड इक्वल टू 1 राइट एंगल, देयरफॉर 1 ग्रेड इक्वल टू 1 अपॉन 100 राइट एंगल, और कितना ग्रेड सपोज किया गया है, नंबर ऑफ ग्रेड्स इक्वल टू जी, जी ग्रेड इक्वल टू जी अपॉन 100 राइट एंगल, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, जी अपॉन 100 राइट एंगल, राइट एंगल्स। इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको कर लिया जाए फर्स्ट और ये आपका सेकंड। तो क्या देख रहे हैं, सभी राइट एंगल में आ गए, सभी एक यूनिट में आ गए, ये भी राइट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी राइट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राइट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, टू आर अपन पाई, थीटा का वैल्यू यहाँ पर डिग्री में क्या है, डी अपन 90 इक्वल टू